पूछा है आपने? नहीं, क्वेश्चन ही पूछा मैंने। मैंने आपको CSF रेनोवियर का बताई थी कि बीटा 2 ट्रांसफरिंग और बीटा ट्रेस प्रोटीन, ये दो स्पेसिफिक प्रोटीन हैं जो कि सिर्फ CSF में होती हैं, म्यूकस में नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ CSF में होती है। जब आप लैब को भेजोगे, ये अपना फ्लूड भेजोगे लैब में, तो वो आपको बताएगी कि इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, बीटा 2 ट्रांसफरिंग प्रोटीन है और बीटा ट्रेस प्रोटीन पॉजिटिव फाउंड हुई है। तो आप क्या करोगे, आपको पता लग जाएगा फॉरन कि ये CSF रेनोरिया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि CSF रेनोरिया ऑब्वियसली ट्रॉमा टू द फ्रंटल साइनस, इथिनोइडल साइनस, क्रिब्रिफॉर्म ब्लेड, इथिनोइडल ब्लेड हो सकता है, बट यूस्टेशियन ट्यूब की ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आई होगी। होता कुछ यूं है कि कान पे ना जोर का ट्रोमा आया, लेट्स सपोज कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से द ट्रोमा ईयर फेस है, ईयर पे ट्रोमा आया। उस ट्रोमा ने क्या किया कि जो मिडल ईयर था ना, मिडल ईयर में बहुत ज्यादा ट्रोमा की वजह से मिडल ईयर में ना CSF आ गया, मतलब जो ऊपर ब्रेन था ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और जो हमने पढ़ा पिया मैटर और सारी, वो कहीं कट गई, ट्रोमाटाइज्ड हो गई। तो कान के मिडल ईयर में, जैसे मिडल ईयर बनाते हैं, कान के मिडल ईयर में ये यूस्टेशियन ट्यूब और ये मिडल ईयर और ये हमारे पास टिम्पैनिक एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटिस, तो यहाँ पे ना हमारे पास CSF बहुत आ गया। CSF अब यहाँ से ड्रेन किया यूस्टेशियन ट्यूब में, ये नीचे यहाँ से ड्रेन किया यूस्टेशियन ट्यूब में और अब यहाँ आए, ये यूस्टेशियन ट्यूब ने ड्रेन करके भेजा नेजल कैविटी में। तो नेजल कैविटी से इस तरह हमारे पास मिडल ईयर से CSF नेजल कैविटी में आया। जिसको नहीं समझ आई वो पूछ सकता है कि किस तरह हम कहते हैं, और इस चीज को जो मिडल ईयर से CSF आए ना, हम उसे कहते हैं ऑटोराइनोरिया। CSF ऑटोराइनोरिया मतलब कान से नाक तक एक चीज जो इंजर हुई, जो CSF में पाथे बना, जो हमारे पास ट्रोमा आया मिडल ईयर पे, ईयर में ट्रोमा फेस किया, मिडल ईयर में CSF आया, उसने ड्रेन करना था। यूस्टेशियन ट्यूब का काम है एक तो प्रेशर मेंटेन रखना, दूसरा सिक्रीशंस को ड्रेन करना। तो हमारे पास जो CSF आई उसको ड्रेन किया यूस्टेशियन ट्यूब ने और ड्रेन करके नेजल कैविटी में लिया। इससे हम CSF जो है वो मिडिल ईयर कैविटी में कहां से आया, कैसे आया? CSF जो है वो मिडिल ईयर कैविटी में कैसे आया? कान फेस्ड अ ट्रॉमा, एक्सीडेंट हुआ, कान के बल पे गिर गया, सर पे चोट आई, चोट के बदले में जो CSF था वो मिडिल ईयर ड्रेन कर गया। सही सही, ठीक है जी। अब आप शहनाज आप ही मुझे बताएं कि लैब डायग्नोसिस क्या होंगे CSF रेनोरिया का। जी, CSF राइनोरिया की जो है लैब डायग्नोसिस के लिए जो हम जो नेजल सिक्रीशन होगी उसे हम जो है लैब भेजेंगे, वहां पे जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उसमें हमें जो है बीटा 2 ट्रांसफेरिन प्रोटीन अगर हमें मिला तो इट मींस कि जो है ये CSF है। और दूसरी चीज शुगर लेवल हम देखेंगे, अगर ये 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो इट मींस ये CSF फ्लूइड है। और तीसरी चीज जो हम देखेंगे वो बीटा ट्रेस प्रोटीन, ये भी जो होता है वो CSF में होता है और जो दूसरा नेजल डिस्चार्ज है उसमें नहीं होता। तो वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ऐसे ही है। इसके अलावा बस एक और चीज होना क्या, आप एक पर्सन जब उसका बहुत ज्यादा फ्लूड निकल रहा है, टिश्यू पेपर रखे हुए हैं फ्लूड के ऊपर के पानी बाहर ना गिरे, आपने इस फ्लूड को जब गिरेगा तो आपने एक रख देना फिल्टर पेपर। अक्सर ना CSF राइनोरिया ब्लड स्टेन होता है, एक स्ट्रीक ऑफ ब्लड आ रही होती है, ब्लड स्टेन होता है अक्सर, मैं क्या बता रही हूँ। अब जब पेपर आप देखेंगे ना, आपको डबल टारगेट साइन नजर आएगा। डबल टारगेट साइन क्या होता है, बीच में ब्लड आपको नजर आएगा, जब ये फिल्टर पेपर पे CSF के कतरे गिरेंगे बीच में ब्लड आपको नजर आएगा और साइन पे ना एक ट्रांसलूजेंट सा हेलो नजर आएगा। हेलो मतलब ये दरमियान में तो ब्लड आ गया, उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, दरमियान में आ गया, जो बाहर है ना इसके इर्द गिर्द वो है CSF, इसने क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए वो हेलो बना देते हैं, इसलिए हम कहते हैं डबल टारगेट साइन। ठीक है जी, बताएंगी मोमना आपी, आप 30 ईयर ओल्ड फीमेल हैड अ रोड एक्सीडेंट, she presented to the hospital with clear watery nasal discharge and nasal obstruction along with headache, what is the most probable diagnosis?
CSF rhinorrhea. Yes, very good. It will be CNF, CSF rhinorrhea. अच्छा, अब हम लोगों ने इसे treat कैसे करना है? दो तरीके से हम treat कर सकते हैं. पहले तो इसे localize कैसे करना है कि CSF में हमने पास frontal में मसला है, ethmoidal sinus में मसला है, cribriform plate में मसला है, sphenoidal sinus में मसला है या eustachian tube में मसला है. पांच मसले हो सकते हैं. I repeat, frontal, cribriform, ethmoidal, sphenoidal और eustachian tube. जो ऑटोराइनोरिया, CSF ऑटोराइनोरिया बता दूं, पांच मसलों में से कहां मसला है, उस चीज को हम लोकेट करने के लिए हम यहां करा सकते हैं सीटी स्कैन या हम करा सकते हैं, ठीक है, या हम लोग कंट्रास्ट डाल सकते हैं, कुछ फ्लोरेसेंस डाल देते हैं, फ्लोरेसेंस, इंट्राथीकल फ्लोरेसेंस स्टडी कर सकते हैं हम. फ्लोरेसेंट डाई डालेंगे, डाई इंजेक्ट की और फिर देखेंगे ये जो नोज है डाई डालेंगे, इंट्राथीकली डाई डाली, अब जूनू सर्कुलेशन की डाई आई है हमारे पास, फिर हम देखेंगे ये मॉडल, ये फ्रंटल, फ्रंट के लीक कहाँ से कर रहा है. डाई डाल के हम लोग कहेंगे सीटी स्कैन या एमआरआई डाई डाल के विद कंट्रास्ट. ये पता है एमआरआई विद कंट्रास्ट, एमआरआई विदाउट कंट्रास्ट, इसका कंसेप्ट है ना, अगर हम डाय डालते हैं तो इसका मतलब है विद कंट्रास्ट हम एटीरियल फ्लो को देखते हैं, उसके साथ लेकर चलते हैं कि अब हमें डाय डालने से पता लगेगा कि लीक कहाँ से. अगर हम देखते हैं एमआरआई के ऊपर कि यहाँ से लीक है या यहाँ से लीक है या जहां मर्जी से लीक है, तो हमें फौरन अपेरेंट हो जाएगा, अच्छा हम लोगों ने अब क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के ऊपर से ट्रोमा आया है, जिसको हम लोगों ने ग्राफ्ट लगाकर या फैट का पीस यूज करके, फैट चर्बी का यूज करके, पीस यूज करके हम लोगों ने जो है उसको ब्लॉक कर लिया, ठीक है. डायग्नोसिस हम किस तरह कर सकते हैं, डायग्नोसिस नहीं लोकलाइजेशन कितना कर सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, इंट्राथीकल फ्लोरेसेंस स्टडी, या हमको रेडियो एक्टिव मटीरियल इंजेक्ट कर सकते हैं या सिस्टर्नोग्राम कर सकते हैं सीटी, या हमें लोकलाइज हो जाए तो डाई डाल के सीटी और एमआरआई, बेसिकली सीटी और एमआरआई है. अब आप डाई डालें, कंट्रास्ट डालें, फ्लोरेसेंट डाई डालें, तो वो आपको अपने फायदे के लिए, ठीक है. अब इसको ट्रीट कैसे करना है, ट्रीटमेंट के पॉइंट बहुत आसान है, डू गो विद मी. ये हमारे पास है ब्रेन, ब्रेन के ऊपर चढ़ी हुई होती है पाया मैटर, ये ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर है पाया मैटर, ब्रेन के पाया मैटर के बिल्कुल नीचे होती है हमारे पास एरेकनॉइड. हमें पता है एरेकनॉइड में होता है सी एस एफ, एरेकनॉइड के नीचे क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है एरेकनॉइड के नीचे, वो क्या होती है, ड्यूरा मैटर, पता है मुझे, ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर के नीचे हमारे पास होती है बोन. लेकिन यहाँ क्या हुआ है, बोन में आ गया फ्रैक्चर, ट्रॉमा की वजह से बोन फ्रैक्चर हो गई थी. हम लोग क्या करते हैं कि जो सीएसएफ जो ड्यूरा से यहाँ पर लीक कर रहा था, तो हम लोग इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ लगा देते हैं एक अदद ग्राफ जो सील करते इस ओपनिंग को. या आप लोग ग्राफ लगा सकते हो या आप लोग यू कैन यूज अ पीस ऑफ फैट. एक बात याद रखनी है, एफ फॉर फैट, और सबसे ज्यादा फैट यूज होती है फ्रंटल इंजरीज, फ्रंटल साइनस की इंजरी जो सीएसएफ राइनोरिया करा रही है. या आप ग्राफ यूज कर सकते हैं या आप फैट यूज कर सकते हैं, ठीक है. वो आपने बोन पे लगाई, उसके नीचे बोन के नीचे यू हैव म्यूकोजा और आपकी नोज की शुरू हो गई. यहाँ पे नीचे से नोज में ना आपने नेजल पैकिंग कर दी, नेजल पैकिंग क्यों, ताकि जो हमारे पास नीचे नाक में जो पानी बह रहा था वो ना बहे. यहाँ से नोज से हमने उसे नेजली पैक कर दिया, और ऊपर जो बोन का डिफेक्ट था ना, तो हम लोगों ने उसके ऊपर ग्राफ लगा दिया. ग्राफ लगा देंगे या तो फंडल साइनस होगा तो मोस्ट प्रोबेबली यूज फैट, ठीक है. इसे कहते हैं न्यूरोसर्जिकल इंट्राक्रेनियल. अच्छा, इस सब को करने में ये हम इंट्राक्रेनियल अप्रोच कर सकते हैं या हम नेजली अप्रोच कर सकते हैं, ट्रांस नेजल अप्रोच हो सकती है या न्यूरोसर्जिकल इंट्राक्रेनियल अप्रोच. इंट्राक्रेनियल मतलब ऊपर से, ट्रांस नेजल नीचे से, एक्स्ट्रा ड्यूरल अप्रोच भी हो सकती है.
तो अप्रोच करके हम लोगों ने यही काम करना है कि एंडोस्कोपिकली बेसिकली एंडोस्कोपिक सर्जरी है, एंडोस्कोपिकली हमने यहाँ ग्राफ इंसर्ट करना है, वो आप इंट्राक्रेनियली आओ, इंट्राक्रेनियली आओ, एक्स्ट्रा ड्यूरली आओ या आप ट्रांसनेजली आओ, आपने ये डिसाइड जो है फिक्स करना। इज एवरीबॉडी क्लियर? यस। कोई चीज को समझ ना आई हो? जी। चलें फिर हमारे यहाँ चारों टॉपिक्स आज खत्म होते हैं और इंशाल्लाह लजीज नेक्स्ट टॉपिक से फिर हम लोग मीटिंग स्टार्ट करेंगे। आई गेस बाद में फ्राइडे को इंशाल्लाह। टेक केयर एवरीबॉडी, अल्लाह।